की बात तो पर मंथ तुम 2000 डॉलर ना था आराम से तुम्हारे एक भी साल में नहीं था तो मैंने भरा खबर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास, चाय गिलास। और स्वागत करती हूँ मैं अपने न्यू ब्लॉग में, जो कि मैं सुबह के 7 बजे शुरू कर रही हूँ। सुबह सुबह कर रही हूँ आज ब्लॉग की शुरुआत, और शुरुआत कर रही हूँ अपने किचन से, क्योंकि उठ के हमें किचन में ही आना है। और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और चाय तो बन रही है, बच्चे भी चले गए स्कूल, तो अब मैं घर का काम करूँगी। और उसके बाद मेरी सहेली आ रही है आज, तो मैं तब ब्लॉग बना रही हूँ ज़रा। तो आज का ब्लॉग कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप पूरा देखें और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो पहले मैं अपने लिए चाय बना देती हूँ, उसके बाद सारा काम निपटाऊँगी, और तब तक वो लोग भी आ जाएंगे। तो चलो आ जाओ चाय पीने सुबह सुबह की। तो देखिए चाय में उबाल भी आ गया है, और गिर ना जाए तो कम कर देते हैं, और फिर से थड़काती हूँ जब तक ये पूरी तरह अच्छे से नहीं बन जाती। मेरे को चाय पीने में मज़ा नहीं आता। तो ये देखिए उबल रही है अभी। तो गरम गरम चाय हो गई तैयार, और अब चाय। तो मैं हमेशा यहाँ खिड़की में बैठ के चाय पीती हूँ, यहाँ से सारा नज़ारा दिखता है, स्कूल भी दिखता है, नीचे रोड भी दिखती है। तो चाय पी लेते पहले, और अभी के लिए 2 बिस्किट खाऊंगी, नाश्ते करने का मन नहीं हमें। तो 2 बिस्किट में चाय के साथ भी छुट्टी अच्छा रखते हैं। तो यहाँ इतनी ठंडा ना, ठंडाने का नाम ही नहीं ले रही, या मेरे को लग गया, मेरे को बहुत ठंड लगती है वैसे भी। तो अब जाऊँगी मैं गर्म इलाके में घूमने, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, जहाँ ये सारी स्वेटर फेंकेंगे। मैं हमेशा सॉल्व आउट के रखती हूँ, लोग बोलते रहते मैं खून देखा मैं खाती पीती तो मैं बहुत हूँ, तो पता है मेरे को ठंड लगती है। कितने बिस्किट खा रही मैं, गिनना मत। पहले जमाने की चाय ऐसे पीते थे मेरे दादी लोग, ऐसे किया करते थे उसके हाँ, उनके हाथों में ना रिंग होती थी, तो कट 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 करती थी, तो मैं देखती थी दादी कैसे खाती है कट कट। आप समझ आ रहा है मेरे को ऐसे होता तो कट कट। तो चलो अभी लोग बने रहे, आज कल लोग तो झाड़ू फाड़ू होने वाला है। मैं हो गई हूँ रेड पैट, और अब मैं जा रही हूँ नीचे तहसील रोड पे, और मैंने बनाने हैं वहाँ से 2 स्टाम्प पेपर, 2 स्टाम्प पेपर बनाने हैं समूह के लिए। तो मैं जाती हूँ, वो लोग आए नहीं हैं अभी, तो वो जब तक आएंगे तब तक मैं स्टाम्प बना दूँगी। उनको बस नहीं मिल रही बल, क्योंकि बस सारी यात्रा पर लग गई है, और टैक्सी भी सब यात्रा पर चले गए, और आधे शादियों में चले गए, तो पैदल ही आना पड़ेगा उनको, लेट लगेगी। तब तक मैं नीचे अपना काम करा देती हूँ थोड़ी बहुत। तो चलते हैं, नीचे का काम तो हो गया,
अब आ गई मैं ब्लॉक, तो आपको दिखा दो, ये देखो और यहाँ गई मैं। तो चलते हैं देखते हैं क्या बोलते हैं। श्री पदा आ चुकी हैं और उनको बहुत बड़े हॉल में ऑडिटोरियम में बिठा रखा है यहाँ, ये देखिए। और कोई नहीं है, सुनसान, जज गायब हो गए। अरे यहाँ बैठे हैं हमारी दीदियाँ। त्या नाम हासिल क्या चे? ये बोमी बुन क्यों बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ हाई। तो यहाँ रेखा देवी भी आ चुकी है, इनका नाम मुझे पता नहीं था तो मैंने भरा नहीं, तो ये सब पधार गए हैं। और इनको इतनी थकान लगी तुम्हारा तो कान नहीं छोना, पर यूं गई है और कार्य वो कार्रवाई कर रही है जरा। निधि जो मैं सेम तो जो कई एक दिन था आधार कार्ड दे रहे, आधार कार्ड पर अपना आधार कार्ड दे आहे इन मलू तो नचना को जरूर बुलाना। यूं तो बोल नाराज छे वाला, हम तो नचना को नहीं बुलाना बस। अच्छा हां, महिला समाज के मचे छे तुम लोग? महिला समाज के हम नीचे यार से नहीं मिलदी। आती भी चीज फायदा लेन चा, जब कोई योजना आंदी तो वे मजूर जान चा कल के डेट में सरकार आने टाइम पे के कर दे है ना। ये रहंदो तो 3% ब्याज तुम समूह में वापिस आ जाओ जब तुम पूरा जमा कर रहे हो। पर तुम तो 2 साल अंदर होएगे और रिकवर करना पड़ो तुम, जब तुम 20,000 निकाल एक सदस्य ले तो पर मंथ तुम 2,000 डालो ना, तो आराम से तुम्हारे 1-2 साल में हो पैसा आराम से जमा हो जाओगे। हाँ वो भी एक मतलब इमरजेंसी कुछ कि कभी भी जरूरत पड़ गया तो निकाल सकते हैं अपना। हाँ बहुत बहुत पूर देना के वे आ चुके हैं और कोई एक बोल रहा है हमें पहले और दूसरा बोल रहा है हमें पहले। और इनको थकान लग गई सुबह से, भूख भी लग गई इनके, इसकी आंखें देखो निकल चुकी है बाहर। और दीदी को भी लग गई भूख बड़ी खतरनाक। बड़ी खतरनाक, वो भूख लगे बस एक रोटी खा के और भुजी खा के और फिर दोबारा भूख लग गए। अब जाएंगे घर तब खाएंगे। वो देखो ये देखो सर एरिया घेरे उनको। सर एरिया घेरे चोखा बार दीदी मैडम बन चुकी है और वो साइन करने में बिजी है अभी, उनको 50 साइन करवा दिए। अब लास्ट रह गया न्याणु आए यो जो। हाँ जी उन्होंने चश्मा भी पहना है तभी वहाँ के नहीं देख रही है। ये है बुढ़ापे के लक्षण, ये है बुढ़ापे के लक्षण, तभी साइन चल रहे हैं। दीदी की बारी पर उन्होंने चश्मा नहीं पहना है और वो एकदम फराटेदार साइन कर रही है। ये देखो घस 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 लिख रही है। हाँ तो खींची दिया इनको मैंने ब्लॉग में, नहीं तो इन्होंने डांड रहे ना था अभी। जवान दीदी की बारी, इन्हें ऐसर पलटा जम लाइन से बोलो हम शुई तुम नो बोल जा कम। हाँ हाँ है? ये चल रहे हैं साइन 10-10 रुपये। ये मैंने रुपये उम्मीद दी प्यारी प्यारी संगलू की बारी और वो अभी साइन करने में व्यस्त हैं तो करने देते हैं उनको, डिस्टर्ब नहीं करते, नहीं तो उनके हाथ हिल जा रहे हैं और टेढ़ा मेढ़ा लिख दे रहे हैं। इनके चलेंगे 2 साइन। Thank you.
प्यारे प्यारे लालू दीदी की बारी, आप ढंग से लिखे हाँ अबे हाँ राम एक ही मात्र विडाल पद्दू ही न डाल रे न कर उधर कर कर हैं जाने आल तो ऐ लालू दीदी तो आज टकाटक बन रखी है छोटा छोटा लिख यार दीदी तुम देख हसी था यार फोटो तुम खींचा ना पर फोन भेज दिया ना अपने जा रहे हैं हमारा काम हो गया है यहाँ से तो हम निकल रहे हैं हम नीचे जाएंगे और फिर इनका काम होने मैडम जी जरा इधर दो तो कॉपी को क्यों फोटो खींचना इधर तो सुबह के आए हुए हम 10 बजे और अब जाके 2:30 बजे हमारा काम ख़त्म हो रहा है और अभी अभी भी नहीं हुआ यहाँ का मतलब ब्लॉक ख़त्म हो चुका है और अब हम नीचे जा रहे हैं हमारी मेरी टीम ये आगे से और दीदी पीछे से तो जा रहे हैं हम नीचे अभी खाना वाना खाते हैं कुछ पेट पूजा करते हैं और तब उसके बाद फिर बैंक में आएंगे और आज हमारा खुल रहा है CCL अकाउंट तो उसके लिए हम आए थे यहाँ और अब हम जा रहे हैं नीचे आ गए हम बाहर और अब जा रहे हैं नीचे तो आपको मिलती हूँ मैं सीधे मार्केट में जब हम होटल में जाएंगे होटल में बैठेंगे खाना खाएंगे कुछ खाएंगे चटर पटर उसके बाद फिर वहाँ आएंगे बैंक में चटर पटर कुछ खाएंगे उसके बाद बैंक में चलो अब तुम रोडवेज हम जान चुपचाप रहा अब आज घास घास भी नहीं दिए घोर तैयार अजकल तो रोडवेज भी जल्दी है जाने गए हम मार्केट में पर मुंह ऐसे लग रहे हैं जैसे दीदी बताएगी कैसे लग रहे मुँह जान बोल मैं निम्बा चुसे हो निम्बा चुसे तो जरा पानी ले रहे हैं की चान कान कान चुसे तो से निम्बा पानी तो निकल जान पर इन ना गिच्चू भी सुगे 30 भी लगे कम पानी भी नहीं मांगा मैं बस देखा तुम दो हुई तो ज्यादा ही हो गया लाडा भूया तुम पता हूं मैं क्या सासर बन के खाए हां दोस्तों बैंक जाने के बाद मैं ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि मुझे बहुत तेज़ सर दर्द होने लग गया था और सर दर्द तो भूख भी लग रही थी और खाने का टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि 4 बजे बैंक बंद हो जाना था तो उसके बाद मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला तो सारा काम करने के बाद निपटाने के बाद मैं 5 बजे घर आई और घर आने के बाद मुझे इतना तेज़ सर दर्द हुआ ना मैं सोई मैंने दवाई पी और मैं लेट गई और मैं सुबह ही उठी बच्चों ने पता नहीं मैगी वैगी क्या बनाई अपने लिए वही खाई उन्होंने दिन में भी रात में भी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी मुझे उल्टियाँ भी आ रही थी और सर दर्द भयानक हो रहा था तो उसके बाद मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाई उसके बाद हमने बहुत सारे काम किए तो ब्लॉग की भी एंडिंग नहीं कर पाई मैं तो ब्लॉग को अब समाप्त करती हूँ और आप लोग जितना भी ब्लॉग बन पाया मेरे से कल तो आप उसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हूँ मैं अगले ब्लॉग में तब तक के लिए धन्यवाद बाय बाय गुड नाइट तो क्या बोलूँ अब तो मॉर्निंग हो चुकी है तो चलो ब्लॉग की समाप्ति करते हैं और आँखों में बहुत दर्द हो रहा है चाय पी रही हूँ और फिर सो रही हूँ